हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका कुलदीप कौशिक। आज मैं लाया हूं भाई सफारी के डार्क एडिशन के ऑनर को। देखो बिल्कुल भाई भी डार्क एडिशन के उसमें आया है, फुल ब्लैक कपड़े पहने हैं भाई ने। तो आज मैं इनको चाबी दूंगा भैया अपनी स्कॉर्पियो एंड ऑटोमेटिक की, और भाई मेरी गाड़ी चलाएगा कि रोज ही चला रहे हैं। तो फिर जेन्युइन फीडबैक आपसे शेयर करेंगे कि क्या फीलिंग है इन भाई की इस गाड़ी को चला के, कितने मार्क्स देते हैं ये। वैसे ये नीचे वाला मॉडल है। तो संजीव जी, ये लीजिए हमारी चाबी और आप बैठिए गाड़ी में और जेन्युइन फीडबैक हमसे शेयर कीजिए। जो दिखाया जाएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट दिखाया जाएगा भैया। ये ऑटोमेटिक गाड़ी ज़रूर है लेकिन टॉप एंड नहीं है तो चाबी चलती है। पर देखते हैं भाई को दिक्कत तो नहीं होगी कहीं। पहला फर्क तो चाबी का ही आ गया। चाबी का आ गया, अभी पहला फर्क आ गया चाबी का। पहले तो देख रहे थे कि उसके अंदर चलने का वो है दबाव। बहुत दिक्कत होती है भाई, बहुत दिक्कत होती है। ये सबसे अच्छा लगा पकड़ के ऊंची गाड़ी। अब फीलिंग आई है कि हाँ ऊंची गाड़ी में बैठे हैं। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, जो कि सफारी के अंदर मिस कर रहे हैं। ये दूसरा पॉइंट आप इनके पास भाई वो भी है पजारो, वो चाबी वाली है, ये ऑटो वाली है। हाँ। जो कि दूसरा माइनस पॉइंट है कि इसमें स्टार्ट पुश बटन नहीं है। ठीक है जी। इंटीरियर भी अच्छा लग रहा है इसका, बाकी डैशबोर्ड भी, डैशबोर्ड थोड़ा छोटा है इसका। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, छोटा है। बाकी आपके यहाँ पे लेदरिंग हो रखी है उसमें। ये लेदरिंग नहीं है, प्लास्टिक लगता है, लगता है लेदरिंग। यस भाई, बड़े बड़े धोखा खा जाते हैं, लग तो लेदरिंग जैसा। तो भाई आज चला रहा है भाई, पूरा सही फीडबैक देगा, जेन्युइन, इसीलिए वीडियो बना रहे हैं भाई हम आपको, ताकि आपको हेल्प हो जाए। सबसे अच्छी चीज मेरे को इसके अंदर यही लगी है कि हमें आगे बोनट से नीचे सब कुछ दिख रहा है, उसके अंदर वो चीज फीलिंग नहीं आती है। मेरे को ये बड़ा प्यार लगा इसके अंदर, और इसका स्टीयरिंग भी बड़ा स्मूथ है। सस्पेंशन कैसा है उसके? तो सस्पेंशन का सवाल पूछा भाई ने हमारे, तो संजीव जी जरा चला के बताएंगे सस्पेंशन कैसा है, गड्ढे फील हो रहे नहीं हो रहे? नहीं, चलने में देखो एसी ऑन कर लीजिए सर आप। चलने में तो इसका है ही है भैया, एसी ऑन कर लिया हमने कि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। भैया आप भी ऑन कर लेना पीछे से। जैसे स्कॉर्पियो में पहले होता था ना कि पूरा झोल खाती थी गाड़ी, अब उस तरह से नहीं है। नहीं है ना भैया, पहले वाली स्कॉर्पियो भाई ने चला रखी है। हाँ, पहले वाली में इसमें फर्क है। तो ये झोल कम खा रही है? हाँ, ये झोल कम खा रही है, मतलब खा भी रही है तो वो फीलिंग नहीं दे रही है जैसे पहले वाली दे रही थी। केबिन साइलेंट है? केबिन साइलेंट है, है ना। इसमें सनरूफ भाई, सनरूफ ढूंढ रहा था। गाड़ी गड्ढों में भी बड़ी स्मूथ चल रही है, स्टीयरिंग भी बड़ा स्मूथ है, पिकअप में भी गाड़ी अच्छा पकड़ रही है। इस गाड़ी में और सफारी में मैंने एक चीज फील करी थी कुछ देर के अंदर ही कि ऑटोमेटिक वो भी है, ऑटोमेटिक ये भी है, लेकिन उस ऑटोमेटिक में गाड़ी थोड़ा दबाव मानती है, खिंचती पड़ती है, खिंचनी पड़ती है। ये बिल्कुल ऐसे चल रही है गियर में चला रहे गाड़ी को, ये चीज तो मैंने देखा इसमें, ये फर्क भी है। लैग चेक करना सर जी एक बार, जैसे आप समझ गए होंगे, जब दूसरे से थर्ड गियर पे या फोर्थ गियर पे आती है तो क्या पता चलता है? क्योंकि देखो आपकी गाड़ी में हुंडई का सोर्स है, हुंडई का सोर्स सबसे बेस्ट ऑफ फाइन क्वालिटी का होता है। ये महिंद्रा का अपना है भाई ये ट्रांसमिशन, तो हो सकता है आपको, क्योंकि हुंडई हुंडई है भाई, सफारी के अंदर हुंडई का है, तो मैं उसको उससे ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। बाकी आप बताओगे। एक बार ऑटोमेटिक चलाने के बाद मैनुअल चलाने में थोड़ी सी संजीव दिक्कत तो होती है ना? नहीं, अब तो ऑटोमेटिक काफी टाइम हो गया चला। हाँ, आप तो चला रहे हो। इसमें इस तरह का कुछ तो फील नहीं हो रहा, लेकिन हाँ पता जरूर लग रहा है कि गियर चेंज हो रहे हैं। पता चल रहा है पर बहुत कम लग, बहुत कम लग। ब्रेकिंग भी चेक करना सर एक बार। ब्रेकिंग सही है, बाकी गाड़ी ऊंची काफी है, इसकी हैंडरेस्ट भी सही आ रहा है, इसको कंफर्टेबल आ रहा है, क्योंकि सफारी का थोड़ा नीचे पड़ता है, उसमें ऐसे होना पड़ता है। जी जी, पतला भी है वो, पतला। ये दो आदमी जैसे हस्बैंड वाइफ बैठे हो, वरना तो क्या होता, टच होता। फिर हाँ, फिर यहाँ पे भी आपके वो उसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दो इस तरह से। ये बिल्कुल बेसिक गाड़ी है। नहीं, जो चेंज है, जो फर्क है वो तो है ही है, ऊंचाई का तो है। हाँ, ऊंचाई का फर्क है और एक स्मूथनेस का फर्क है। हमारा शायद हाइड्रोलिक उसका वो है, स्टीयरिंग आपका हाइड्रोलिक है, ये इलेक्ट्रिक है। हाँ, इस वजह से थोड़ा सा फर्क है। तो सफारी का आफ्टर सेल
सेल से पहले भी और आफ्टर सेल भी दोनों में प्रॉब्लम है अभी फिलहाल। अच्छा। हाँ, सेल्स के अंदर भी मतलब अभी ये नहीं है कि भाई आपको जाके, मतलब जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं दोनों तरह से परेशान हुआ था। और आफ्टर सेल के अंदर तो ये था कि सर्विस के अंदर अगर आपकी जान पहचान है तो आप काम करा सकते हो अभी। अच्छा। जान पहचान नहीं है तो कोई नहीं पूछता अभी वहाँ पे, क्योंकि उधर से देखो महिंद्रा में भी परचेजिंग क्या नाम है वो मार्केट हो गई ज्यादा और कंट्रोल से हो गए बाहर। बाकी और तो चलने में सफारी में भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज कैसी आ रही केबिन में आपको, इंजन की, क्योंकि डीजल है ये। हाँ हाँ, इसकी आवाज भी कम है। कम है ना इसके बाद। पिकअप बढ़िया बढ़िया। सफारी थोड़ी क्लासी गाड़ी है, हाई स्पीड पे ये थोड़ी रफ एंड टफ भी लगती है इसको, और भी हाई स्पीड पे आपकी लग्जरी है सफारी। इसके अंदर आप हाई स्पीड ज्यादा इंजॉय नहीं करेंगे। तो क्या भाई 20 लाख में गाड़ी खरीदता, ये मैंने पूछना जब चला के गाड़ी खड़ी करेंगे कि क्या, हाँ भाई अगर ये मिलती तो क्या मैं ले सकता था कि नहीं, या मैं सफारी ही रखता। हल्का सा बॉडी रोल के बारे में पूछेंगे कि भाई गाड़ी के अंदर बॉडी रोल के बारे में बताओ, कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं हाई स्पीड पे क्या रिस्पॉन्स दे रही है, पूरा चेक करेगा भाई। ये चीज आ रही है इसमें, क्या जो गियर वाला था ना। हाँ, अभी मैंने जैसे करी थी ना तो वो नीचे आती है हल्का। यस यस, चेंज करती है वो, ये चीज है, ये चीज तो आई इसमें। तो ये सफारी में भी है? सफारी में इतना ज्यादा फील नहीं हो रहा, या हो सकता है आज मैं गौर किया तो शायद हो सकता है। लेकिन सही कहा आपने, सफारी में और इस गाड़ी में थोड़ा सा कम होता है वो मैंने फील किया, पर सफारी में और स्कॉर्पियो में कम है, ज्यादा होमवर्क किया होगा लोगों ने। बाकी बॉडी रोल चेक कर लो सर एक बार, काफी अच्छी गाड़ी चला रहे हैं हमारे भाई, पूरी चेकिंग चल रही है कि आप लोगों को जेन्युइन फीडबैक मिल सके। सर एक बार थोड़ा सा ना ब्रेक व्रेक चेक कर लेंगे। कोई कंपैरिजन नहीं है भाई, बता रहा हूँ मैं आपको सफारी का और इसका। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे वरना मैं सफारी खरीद लेता। भाई पे दे तो भाई ले आया। लेकिन पूछा जरूर इनसे, सफारी के तो आप लवर थे आपसे। भाई ये सारे सफारी सफारी ली थी हमने। नहीं नहीं, मेरा बहुत अच्छी गाड़ी, सफारी चलाई भी नहीं थी पहले। जी जी जी, आपने फीडबैक दिया बहुत अच्छी गाड़ी, हमने चलो ये ले लेते हैं। मैं खरीद नहीं पाया दोबारा, मैं उस टाइम इसकी वेटिंग काफी थी, ये आई नहीं थी उस टाइम पे ना। यस यू आर ठीक। ब्लैक रखना थोड़ा मुश्किल है, सफाई वगैरह ज्यादा मांगती है गाड़ी। तो भाई जी आप पे जो आप गाड़ी है, आप कैसे मेंटेन करते हैं उसको? वैसे मैं जो ब्लैक, मैं गाड़ी को खुद साफ करता हूँ। अच्छा। कोई सफाई वाला नहीं रखा हुआ, चाहे कोई कुछ कहे, कोई कोई दिक्कत नहीं इस चीज की। सुबह एक बार मॉर्निंग में, एक बार शाम को करनी पड़ती है ना, करनी पड़ती है। भाई जी एसी कैसा पीछे का? हवा रही है जबरदस्त भैया। ये जो सेकंड रो का एसी है ना, यहाँ पे सफारी बिल्कुल मात खा जाती है। मेरी वाइफ हमेशा कहती थी, वो कभी इधर बैठती थी कभी उधर बैठती थी, पर इसके अंदर ये जो एसी दिया ना पीछे भाई, बिल्कुल फर फर हवा फेंकता। लेकिन हाँ, एसी के अंदर आप वाली सफारी में और मेरी सफारी में फर्क है। हो सकता है ये चीज क्लियर हो सकता है, हो सकता है उसके अंदर उस सीट्स के अंदर एसी लगा हुआ है तो वो फीलिंग आपको आएगी। वेंटिलेटेड है भैया, वेंटिलेटेड सीट लगेगा, एसी इधर बैठने की उधर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि वो वेंटिलेटेड सीट्स है, लेकिन जिसमें वेंटिलेटेड सीट नहीं है वो चीज है। लेकिन सफारी में एक प्लस पॉइंट है, तभी तो फिर हमने वो वाली सीट ली है ना। एक सफारी प्लस पॉइंट क्या है, थर्ड रो में भी एसी है। अब जैसे अभी ब्रेकर आया था, कैसा लगा आपको? हाँ वो बढ़िया है, सही है ना। महिंद्रा ने काफी काम किया है भैया। हम सब महिंद्रा ने और टाटा ने दोनों ने इस चीज पे तो बहुत काम किया है। पहले की जो सफारी थी उसके सस्पेंशन में और इसके अंदर हर चीज का फर्क है। अब हम कहें कि पहले वाले को कंपैरिजन करते हैं, सफारी तो सफारी वो बिल्कुल नहीं है। अब हम स्कॉर्पियो करें, हालांकि मैंने पहले वाली स्कॉर्पियो चलाई, ये भी चला रहा हूँ, तो इसमें भी फर्क है बहुत। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वैसी है। एवरेज कितनी देरी है यार? एवरेज देरी होगी मुझे 13-14 की। अच्छा, हाईवे 16 देती है। हाँ हाँ, सफारी ज्यादा देती है ना, सफारी ज्यादा देती है। सफारी भाई उसका रीजन भी है ना, मेरा 16 निकाल देती है सफारी लोकल में और 20 प्लस निकालती है हाईवे। वो खड़ी सफारी उसका रीजन भी है ना भाई, वो 1956 सीसी, ये 2200 सीसी। और एक खास बात हो रहा है, सफारी हमारी 1825 किलो की है भाई, ये 1980 किलो की है, और 4x4 ये हो जाती है 2300 किलो की। तो भाई जब वजन, देखो हम इस गाड़ी के अंदर भी दिख रहा है हमें। हाँ हाँ। कि कितने बंदे हुए थे। सफारी में ये चीज नहीं दिखती है, इसके वॉल्यूम इतने बड़े हैं देखने में। मैं कैमरा नहीं है गाड़ी मेरी, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, और सही में बहुत बड़े, और ना ये गाड़ी बड़ी है, शीशे काफी है ना, शीशे बड़े बड़े है ना बिल्कुल।
कि मैं ही तारीफ झूठी कर रहा हूँ ना, ना जो चीज है उसमें कोई भाई आप बताना। लास्ट टाइम पिछली स्कॉर्पियो में यही चीज हुआ करते थे कि वो चीजें बड़ी बड़ी हमेशा दी है मिरर्स एंड ऑल। और एक गुड न्यूज है, इसकी जो रेटिंग आई है 5 स्टार आ गई है। अच्छा, मेरे लेने के बाद ही आई है, 5 स्टार रेटिंग की गाड़ी बन गई है। थोड़ी बहुत जो कसर रहेगी वो आपकी रेटिंग, आप वैसे पूरी नहीं, मेरे को तो भाई दो चार कंपैरिजन और दिखा दो तो चीज और पूरी हो जाएगी। मेरे को तो जो गाड़ी अच्छी लगती है ना फिर वो लगती है अच्छी। गाड़ियों के मामले में थोड़ा सा मैं ना, भगवान मुझे गाड़ी दे देता है तो बाकी आपसे पूछ लेंगे उतरते हुए कि भाई अगर 20 लाख, वैसे गाड़ी मुझे पड़ी थी 18-40 हज़ार की, 1.5 लाख रुपए ऊपर खर्चा है इस पे। अलॉय वलॉय बहुत मैंने चेंज कराया, ये कराया तो वो मैं आपसे पूछ लूंगा। अगर आपने कह दिया कि हाँ भाई कुलदीप मैं इस गाड़ी के बारे में सोच सकता था तो भाई हमारी तो फिर मेहनत सफल हो जाएगी। इस टाइम मैंने सफारी ली थी ना, उस टाइम मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, मुझे तो यार पता नहीं वो गाड़ी XUV 700 क्या था कि गाड़ी तो ठीक लग रही थी लेकिन क्या है वो थोड़ी सी ऐसा मतलब वो चीज लुक नहीं आ पा रही थी उसमें, क्योंकि हमारे 3-4 दोस्तों ने ली थी तो बोले जी उसमें इतने फीचर्स हैं, इतने फीचर्स। मैं कहता हूँ आज की डेट में सफारी में भी जो फीचर्स है ना, मैं गारंटी कहता हूँ कि वो फीचर सारे यूज भी नहीं करते होंगे। नहीं, हालांकि अब कहते हैं कि 360 कैमरा भी आ गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया। मैं कहा जो पहले का है वही यूज कर लो, नहीं होता यूज। अब वेंटिलेटेड सीट है तो सही चल रही है, जब तक ठीक है भाई, जिस दिन खराब हो जाएगी फिर हम क्या कहेंगे, पता क्या कहेंगे इंडियंस हम, भाई पड़ी है साड़ी, खराब पड़ी रहने दे पड़ी रहने दे भाई, ना ठीक करा दे हम, क्योंकि एक बार चलती हुई चीज खराब हो जाती है ना उसको ठीक होने में भैया फिर बहुत दिक्कत होती है। लेकिन सफारी की एक प्लस पॉइंट हो रहा है भाई, मैंने कहीं भी बताया स्टोरेज उस गाड़ी में बहुत ज्यादा है। इस गाड़ी का ही बताया ना आपको, बहुत छोटे छोटे है इस गाड़ी में, आप बोतलें देख लो छोटी, देखो छोटी बोतल लगी है ये चीज़, और उसमें काफी स्पेस है। और भाई कई बार तो दरवाजा खोलना पड़ता है बोतल निकालने के लिए, बिल्कुल भी नहीं वो उस चीज में तो है छोटी बोतल भाई, इसमें दो दो बोतल की, उसमें तो बैक साइड में ना आपको एक और स्पेस दी हुई है पीछे वाली ना भाई, स्पेस ही स्पेस है बोतल के ऊपर, आप एक और स्पेस है जिसमें आप मोबाइल वगैरह रख सकते हो। नहीं मैं कह रहा हूँ दो दो बोतल रख लो आप, इसमें आपको छोटे आधा आधा लीटर करनी पड़ती है। बिल्कुल, चलो फीडबैक दे दिया भाई महिंद्रा को हमने, ये भी कम है, ये भी कम है। नहीं ये वाला स्टोरेज है। और सफारी खास बात, और भाई सफारी बेड बन जाती है भाई, सीटों को और फोल्ड कर दो ना पूरी बेड बन जाती है। ये बड़ी उबर का बड़ा उबर का बड़ा सेवन सीटर बनेगी, ये उबर का बड़ा सिक्स सीटर में नहीं बनेगी। अच्छा 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 अच्छा, पर मेरी में तो यार इसमें तो पता नहीं बेड बनेगा नहीं बनेगा, नहीं इसमें नहीं बनेगा, नहीं बनेगा पीछे के आपके नीचे है ना, हाँ बहुत दिक्कत वाला काम है, स्लोप में बन जाएगा ना, इसमें मुश्किल है। ओवरऑल ये ऐसा भी नहीं है कि सफारी से बिल्कुल ही नीचे है, ये ऐसा भी नहीं है। देखो कम अमाउंट के अंदर ये बढ़िया चीज निकाली है। यस यस यस, ये ब्यूटी है इसकी, ये ब्यूटी। कल एक भाई लेके आया था, कर मुझे पड़ी 15.5 लाख की पेट्रोल। हाँ तो 15.5 की पड़ी, उसमें 1-1.5 लाख रुपया काम करा के 18 लाख की भाई, अपने ड्राइव कर रहा है उसमें, उससे और क्या चाहिए उसको। मैंने कहा भाई तो स्टील डील हो गया आपकी यार, कर 15 साल चलाऊंगा, चलती कम है भाई की तो बड़ी खुशी मिलती है। सबसे बड़ी बात है ये जो ब्रांड अपना इंडियन है ना, मुझे इस बात की खुशी मिलती है कि मैं ये हमारी सेल्स जो है बाहर के लोग नहीं खा रहे। अब देखो लुक वाइज में कैसा है, हाय 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 दिख रही है वो खड़ी भाई बाहर की। हाँ तो भाई से कहूँगा कि वहीं लगा ले गाड़ी अपनी, हमारी भी या ये भी, या यहीं खड़ी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और अब पूछते हैं भाई से इस गाड़ी का जजमेंट। सर गाड़ी जिस अमाउंट की आपने ली है उसके हिसाब से बेस्ट गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप जैसे पूछ रहे थे कि आपके पास ये ऑप्शन होता तो हो सकता है माइट भी उस टाइम ऑप्शन अगर मिलता तो शायद ले भी लेते, क्योंकि 6 लाख रुपए काफ़ी होता है। ठीक है, और आपकी पर्सनैलिटी को ना सूट करती है सफारी, ये सफारी भी और ये भी। हाँ हाँ मेरे को ऊंची गाड़ी पसंद थी वैसे। नहीं जो पजारो भाई, पजारो चला रहा है भाई, वो थोड़ी नीचे पड़ जाती है बस, और कोई वो दिक्कत नहीं। बाकी चलने में कितने, देखो चलने में सफारी में दिक्कत किसी तरह की नहीं है, एवरेज वाइज भी दिक्कत नहीं है। बस 2-3 चीजें इसमें जो मैंने बताई थी आपको, एक तो मेरे को हाइट अच्छी लगी इसकी, देखिए चलने में थोड़ी स्मूथ है, बढ़िया है। बाकी अगर हम बात करते हैं बोतल का या स्पेस के, वो थोड़ा सा इसमें कमी है, स्टोरेज कमी है इसके अंदर, और थोड़ा डैशबोर्ड भी उसका वो है क्योंकि काफी मेहनत है उस पे। बाकी ओवरऑल ठीक है, लेकिन आपने जो ली है ना इतने अमाउंट की, ये वर्थ है, वेस्ट नहीं है।
तो संजीव भाई थैंक यू वेरी मच भाई। ये जो गाड़ी में बैठो ये हम जैसे गरीबों की सफारी है, अमीरों की सफारी भाई वही है। नहीं, नहीं, लेकिन ये कि ये ब्रांड है ना जो गाड़ी बढ़िया है स्कॉर्पियो। देखो हम तो दो चीजें हैं हमारे तो, सफारी हो चाहे महिंद्रा हो, दोनों अपने इंडियन ब्रांड है, मस्त ब्रांड है, दोनों को सपोर्ट करेंगे दोनों। तो मजा आया चला गया आपको? भाई जी आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, अच्छी फील है, मजा आया, मजा आया, आओ जी। ये है ना ये फीलिंग ये हमने साइड वाले लगा के वही फीलिंग तो ली है। इसमें नहीं उतर सकते, इसमें मैं कहीं उतरता हूँ ना तो इस पे मैं फिर पैर लंबा खींच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, छोटी हाइट का आदमी तो भाई उतर ही सकता। लेकिन ये चलो भाई बड़ा मजा आया। बिल्कुल सर, और बिल्कुल भाई सही तैयार हो गया, बिल्कुल सही लगता है कि भाई डार्क एडिशन का लवर है। लेकिन आप कुल मिला के गाड़ी अच्छी है? गाड़ी बिल्कुल अच्छी है। तो भाई हमने छोटा सा फीडबैक इसे शेयर किया है कि बहुत लोग कह रहे थे यार बताओ 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 भैया, तो भाई ने चला के देख लिया है और भाई को अगर मैं कहूँ तो भाई को गाड़ी पसंद भी आई है। तो चॉइस आपकी है, पैसे हैं तो भैया सफारी खरीद लेना 26 लाख रुपए आके भाई आया था, नहीं तो फिर ये भाई अगर मिल जाए बिल्कुल बिल्कुल तो फिर ये खड़ी है भाई। हाँ 20 लाख में आपको टॉप एंड गाड़ी मिल जाती है, और भैया 6 एयरबैग है उस गाड़ी के अंदर, इसके अंदर 2 एयरबैग है भैया, पर सेफ्टी रेटिंग दोनों की इक्वल सी बराबर ही है, वो भी अपना लो है और ये भी अपना लो है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग। जय हिंद जय भारत।